पीपल पे क्या कहना चाहेंगे, ये दिल द्वारा प्यार में पागल हो गए, ये किस प्रकार की फिल्म है और कहानी के बारे में बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल पूरे फिल्म के बारे में? पूरी फिल्म के बारे में मैं क्या बताऊँ, दिल तोहरा प्यार में पागल हो गई, ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है एक्चुअली। ये फिल्म इस फिल्म में सोमलाल यादव मेरा सुपरस्टार, अनारा गुप्ता जी हैं, अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर, गोपाल राय जी, रणधीर सिंह जी, सिकंदर खान, ये सारे एक्टरों ने काम किया है और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए कि ये कहानी एक्चुअली मैं दिनेश जी के साथ में लेके बनाना चाह रहा था एक्चुअली। इट्स अ रोमांटिक एक्शन सिनेमा, एक हार्डकोर रोमांटिक फिल्म है, बट जैसे बरसात एक फिल्म आई थी बॉबी देओल की, रोमांटिक बट एक्शन फिल्म थी, उस तरह की ये फिल्म है और ये कंप्लीट एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, आपको इसमें एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा सोचने के लिए। इकबाल भाई का नाम जहाँ जोड़ता है तो वहाँ ब्लॉकबस्टर या नहीं, नहीं, इस तरीके का फिल्में समझ में जनता को दर्शकों को समझ में आती है कि हाँ कोई लैविश जिस प्रकार से बोले एक्शन ये वो ड्रामा आपने सही कहा, फुल कॉम्बो पैक देखने को मिलता है, ऐसी आशाएं हैं दर्शकों को आपके। सर ऐसा है, कितनी जवाबदारी इकबाल भाई बढ़ जाती है आपकी जब इतने आशा अपेक्षा जुड़ जाती है दर्शकों की आपसे? जी ऐसा है सर कि मैंने कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म अभी तक दी नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ मैं सिनेमा बनाता हूँ, थोड़ा सा रिच सिनेमा, बड़ा सिनेमा, थोड़ा सा ग्रेंजर वाला सिनेमा, ये है मुझ में, ये थोड़ी सी मतलब कमी है या खूबी है पता नहीं, ये फिल्म भी मैंने उसी तरह से बनाई है एक्चुअली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो। इकबाल भाई टकराव की बात करें और लोहा पहलवान की बात करें, उस फिल्मों से और इस फिल्मों में कितना अंतर है और क्या आपको इतना क्या तीनों फिल्मों की अगर कंपेयरिंग किया जाए तो सबसे बेहतर फिल्म कौन सी होगी आपके लिए? जी आपने एक्चुअली बड़ा अच्छा सवाल किया, कंपेयरिंग। एक माँ के तीन बच्चे हैं एक्चुअली, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, एक मंझला बच्चा है, ये मंझला वाला है, छोटा बच्चा टकराव है और बड़ा जो है वो लोहा पहलवान। तीनों फिल्में मेरे बहुत दिल के करीब है एक्चुअली। लोहा पहलवान एक अलग जॉनर का सिनेमा है और दिल तोहरा प्यार एक अलग जॉनर का सिनेमा है और टकराव एक अलग जॉनर का सिनेमा है। तीनों अच्छी फिल्में हैं, तीनों एक्शन फिल्में हैं, तीनों फिल्मों में एंटरटेनमेंट रखा है हमने और ये तीनों फिल्में मुझे बहुत अजीज़ हैं एक्चुअली। इकबाल भाई कितनी आशाएं हैं इस फिल्म से, अपेक्षाएं कितनी हैं, क्या कहना चाहेंगे और इतने इन दोनों पे, अनारा पे और सोमलाल पे कितना भरोसा है आपको? जी मुझे सोमलाल यादव और अनारा गुप्ता पे पूरा भरोसा है कि ये जोड़ी जो है ऑडियंस को 2.5 घंटा बिठा के रखेगी और उन्हें पूरा एंटरटेनमेंट देगी एक्चुअली, मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है इस बात का। सोम आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? बहुत आशाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं सर। मैं आपने इनका तो दिल जीत लिया लेकिन दर्शकों का दिल जीत पाएंगे क्या, आप भरोसा दिला सकते हैं? मैं दर्शकों से हमेशा हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ सारे लोगों को, आप लोगों ने मौका दिया हमें भी मौका दीजिए ताकि हम भी आप लोगों के खरे उतरें और जो अभी आप लोग दिनेश जी को, पवन जी को और केसारी जी को और रवि किशन जी और मनोज सर को दिया है, आपने सपोर्ट किया है, उसी तरह प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ये मेरी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे डायरेक्टर मेरे साथ में इकबाल बख्श जी हैं और मेरी हीरोइन सोम। अगर इकबाल भाई की बात करें तो कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो पूरे फिल्म शूटिंग के दौरान जो लोगों को नहीं पता है, क्या शेयर करना चाहेंगे इकबाल भाई की कोई खासियत हमारे दर्शकों से? जी इकबाल भाई की खासियत मैंने देखा है क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी थी इकबाल भाई के साथ में, एक मेरी ये डेब्यू फिल्म है। इकबाल भाई को जो चाहिए वही लेते हैं और कोई भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो अगर उनको करते हाँ, लेकिन उनके करने का अंदाज़ा एक अलग होता है सर। भोजपुरी में मैंने ऐसा डायरेक्टर देखा है जो आदमी उनको चाहिए तो वही चाहिए, भले गाली दे के निकालेंगे, आपको कुछ भी करके निकालेंगे, जो चाहिए वो निकाल के लेते हैं। उनके अंदर खासियत गाली भी दे देते हैं सेट पे और हम लोग बोलते हैं सॉरी 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 सर, सॉरी भाई, सॉरी हम लोग, और इकबाल भाई के साथ में हम लोग फ्रेंड सर्कल में काम करते हैं, बड़ा मजा। चलते चलते आखिरी सवाल, कब ये फिल्म लग रही है और क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? सर सर ये फिल्म इसी महीने रिलीज़ हो रही है बिहार में और मैं मेरे दर्शकों से ये अपील नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ एक्चुअली कि ये फिल्म जाकर देखें और मेरे इस सिनेमा को सराहें, कामयाब बनाएं, मेरे सोमलाल यादव को स्टार बनाएं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा सर। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।